Assalamualaikum, hi everyone. Welcome to Learning Impact, and today our video is about sociology. Learning outlines is इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल और व्यू ऑफ सोशियोलॉजी. What is sociology, meaning its definition, and definition by different sociologists, and at the end there will be a conclusion. So let's start. First one is a general overview of sociology. In general overview, we study that sociology में हम किस किस्म की questions को study करते हैं. Sociologist असल में society के किस perspective से सोसाइटी को या इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं. तो पहला है कि दोस्त स्टडी सोशियोलॉजी दे आर कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रेस करते हैं और फिर उसी क्वेश्चंस को वो स्टडी करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं. तो किस किस्म के क्वेश्चंस को वो स्टडी करते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस. दे स्टडी पीपल एंड ग्रुप ऑफ पीपल. सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि सोशल सिचुएशन, अगर एक सोशल सिचुएशन है तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर क्या है. अगर सोशल सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया तो उसमें वो इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स करता है. तो उसमें तीन किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत से हैं, बस दीज थ्री आर द मेन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. व्हाई डू वी फील एंड एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस. कि ऐसा क्यों होता है कि जब सोशल सिचुएशन चेंज हो जाए तो इंडिविजुअल जो है उसका बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, सेकंड है कि व्हाई माइट पीपल इज ए बिट डिफरेंट बिहेवियर इन द सेम सोशल सिचुएशन. कि ऐसा क्यों होता है कि अगर सोशल सिचुएशन सेम भी हो तो भी लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. ठीक है, इसके हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह एंड टू व्हाट एक्सटेंट इज द इंडिविजुअल शेप बाय सोसाइटी. और ये कि सोसाइटी का इंडिविजुअल के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, उसको वो किस तरह शेप करता है. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन था दैट व्हाई डू वी फील एंड एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सिचुएशन. ठीक है, कि अगर हमारे पास सोशल सिचुएशन चेंज हो जाए तो उसमें हम डिफरेंटली एक्ट क्यों करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल केस ए है और केस बी. सिचुएशन ए में क्या है कि स्पोर्ट्स गेम चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, अगर फुटबॉल गेम चल रहा है. ठीक है, फुटबॉल है और क्या होता है, व्हेन देयर इज गेम गोइंग ऑन. ठीक है, व्हेन देयर इज गेम गोइंग ऑन देयर कम्स मोमेंट ऑफ अप्स एंड डाउन. जैसे अगर आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं और आपकी टीम जो है वो कभी ऐसा मोमेंट आता है कि वो जीतने वाली हो, कभी आता है कि वो हार रही हो, ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो आप ऐसे वक्त में आपका बिहेवियर क्या होता है, यू चीयर एट विनिंग और इंटेंस मोमेंट्स. ठीक है, आप जब आपकी टीम जीत रही होती है तो आप चीयर करते हैं, जब वो हार रही होती है तो आप इमोशनल होते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, आपका बिहेवियर भी अप्स एंड डाउन होता रहता है. ये सिचुएशन है, लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गेम ख़त्म हो गया, तो इंडिविजुअल का बिहेवियर भी अचानक चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल गेम एंड हो गया, आप बाहर निकलते, आप कामली गुड बाय कहते अपने दोस्तों को, या अगर आप बाहर निकले स्टेडियम से और आपके सामने कोई आ रहा है या रश है तो आप लोगों को कामली कहते एक्सक्यूज मी और फिर वो आप वहाँ से निकल आते. तो सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मोमेंट एगो जब सिचुएशन एक था तो बंदा एक तरीके से बिहेव कर रहा था, मोमेंट आफ्टर जब सिचुएशन चेंज हो गया तो इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है. ऐसा क्यों होता है, इसको सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई माइट पीपल ऑफ अ सिंगल ग्रुप एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन द सेम सोशल सिचुएशन. कहते हैं कि लेट्स सपोज सिचुएशन भी एक ही है तो भी सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर नज़र आते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है रॉक कॉन्सर्ट है. ठीक है, एक सोशल सिचुएशन है तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, एक गैदरिंग होता है, तो उसमें हमें तीन किस्म के जो प्रोमिनेंट बिहेवियर होते हैं, और भी होता है लेकिन तीन किस्म के प्रोमिनेंट बिहेवियर जो हमें नज़र आते हैं क्या होते हैं. कुछ लोग होते हैं वो दे प्रेफर टू सिट एंड ऑब्जर्व, वो इंजॉय करते हैं कि हम कामली चेयर पर बैठ के ऑब्जर्व करें. ठीक है, ये एक बिहेवियर हो गया. दूसरा क्या करती, क्राउड सर्फिंग करती. क्राउड सर्फिंग क्या होता है, वो लोग एक बंदे को हवा में उछालते हैं. ठीक है, सब मिलके एक बंदे को, तो वो कुछ लोग इस तरह बिहेव करते हैं.
सब में एंजॉय सिंगिंग ना लो, कुछ होते हैं कि जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसी के साथ सिंगिंग करते रहते हैं, उसी के साथ अब सिंगिंग करते एंजॉय करते। तो सोशियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है कि आखिर सोशल सिचुएशन भी इस केस में एक ही है। चलो पिछले एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि सिचुएशन चेंज हुआ तो बिहेवियर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि सिचुएशन भी एक ही है तो पर लोग डिफरेंट तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एक ही गैदरिंग है, एक ही पब्लिक है, एक ही मास है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेवियर या रिस्पॉन्ड करती है एक ही सिचुएशन को। तो इस किस्म के क्वेश्चन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक दूसरा जो क्वेश्चन है, टू वट एक्सटेंट इज द इंडिविजुअल शेप बाई सोसाइटी। इसमें होता है कि एक सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर्स यानी अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले आता है कि सोसाइटी जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, कल्चर प्रोवाइड करता है। कल्चर क्या है, इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी जो हमें बताता है कि राइट्स एंड रॉन्ग्स क्या होते हैं, इस्टेब्लिश राइट्स एंड रॉन्ग्स। अब ये सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट्स एंड रॉन्ग जो है बहुत सब्जेक्टिव है, हर सोसाइटी का अपना होता है। तो अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी में रहती हूँ तो मैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी के इस्टेब्लिश राइट्स एंड रॉन्ग्स है उसको फॉलो करूँगी। ठीक है, तो इस केस में वो मेरा बिहेवियर जो है वो शेप करेगा। अगर मैं अब्रॉड जाती हूँ तो फिर वहाँ की सोसाइटी के जो इस्टेब्लिश राइट्स एंड रॉन्ग्स है मैं वो फॉलो करूँगी। तो इस केस में क्या होता है, सोसाइटी जो है वो अपने इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करता है, शेप करता है ना, वो उसको फॉलो करता है इंडिविजुअल। तो ये क्या है, ये है कि हाउ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी जो है हाउ सोसाइटी शेप इंडिविजुअल। हाउ सोसाइटी शेप इंडिविजुअल, सॉरी मेरी राइटिंग मैं वर्बली बोल रही हूँ तो शायद आप लोग को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो हाउ सोसाइटी शेप इंडिविजुअल, ये इसके साथ ये इस तरह करता है। फिर उसके बाद एक ये आर्गुमेंट भी सोशियोलॉजिस्ट रेस करते हैं कि क्या सिर्फ सोसाइटी ही इंडिविजुअल को शेप करती है या इंडिविजुअल की एक्शंस वो सोसाइटी को शेप नहीं करते। इज इट वन साइडेड प्रोसेस, तो ऐसा भी नहीं है, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट इज़ टू साइडेड प्रोसेस, ये वन साइडेड भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल को शेप करती है, इंडिविजुअल चॉइसेस जो वो लेते हैं वो भी इन टर्न क्या करते हैं, सोसाइटी को शेप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, और ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब ये है कि चलता रहता है, ये स्टेटिक नहीं है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, जो नीचे मेंशन भी हुआ है दैट इट इज डायनेमिक प्रोसेस। जब इंडिविजुअल कोई चॉइसेस लेता है तो वो चॉइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अभी जो कपल है तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है अलग घर में रहे या इस तरह, तो वक्त के साथ इंडिविजुअल की सोच में चेंजेस आया, मॉडिफिकेशन आया, उसके साथ क्या हुआ, सोसाइटी मॉडिफाई हुई। जब सोसाइटी मॉडिफाई हुई तो क्या हुआ, कल्चर मॉडिफाई हुआ। जब कल्चर मॉडिफाई हुआ तो राइट्स एंड रॉन्ग्स मॉडिफाई हुए। राइट्स एंड रॉन्ग्स ख़त्म नहीं होते लेकिन वक्त के साथ क्या होते, इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। फिर दोबारा इंडिविजुअल चॉइसेस आ गए, ठीक है, किसी दूसरी चीज़ के बारे में इंडिविजुअल चॉइसेस चेंज हुए दोबारा से। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये सारा जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सोसाइटी भी और इंडिविजुअल चॉइसेस भी, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज़ हाउ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय सोसाइटी एंड देन इंडिविजुअल चॉइसेस अफेक्ट सोसाइटी, मतलब दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, हैंस बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल शेप ईच अदर इन अ डायनामिक प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये चेंज ना हो तो क्या होगा, सोसाइटी स्टेटिक होगी, इनके कल्चर एंड नॉर्म स्टेटिक होंगे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन नहीं होगी, मतलब वक्त के साथ इवॉल्व नहीं होगा फिर। तो ये चेंज जो है ये हर हाल में हो सकता है, माइनर हो, लेकिन हर हाल में ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है, हर सोसाइटी में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है
ये जनरल ओवरव्यू, तो अब हम पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, सोशियोलॉजी वर्ड जो है ये तीन दो वर्ड से मिलके बना है, सोशियो एंड लॉजी। सोशियो निकला है सोशियस से एंड लॉजी जो है वो लॉजॉस से निकला है। दोनों क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं। इनका मतलब है कंपेनियनशिप और एसोसिएशन, एंड लॉजॉस का मतलब है स्टडी। सो इन लिटरल मीनिंग सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन एसोसिएशन और ह्यूमन कंपेनियनशिप और सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या हुआ, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन या ह्यूमन कंपेनियनशिप, या इसको हम सोसाइटी भी कहते हैं। ह्यूमन एसोसिएशन का मतलब क्या है कि दो और मोर, टू और मोर पीपल होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल इंसान का बिहेवियर, इंडिविजुअलिटी में ये स्टडी नहीं करता, ये करता है ह्यूमन को स्टडी करता है लेकिन ग्रुप में, ठीक है। दे स्टडी ह्यूमन एसोसिएशन, इंडिविजुअल बिहेवियर को इन ग्रुप, या ग्रुप ऑफ पीपल को कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, तो वो क्या है, सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करता है। जो सोशियोलॉजी है ये चूंकि सोशल साइंस है, इनका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं होता, हर सोशियोलॉजिस्ट इसको अपने तरीके से ऑब्जर्व करता है, अपने तरीके से डेफिनेशन देता है। तो हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है डेफिनेशन बाय कॉम्टे एंड वॉट, ये दोनों क्या है, सोशियोलॉजिस्ट थे। ऑगस्ट कॉम्टे, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी फेमस थ्योरी थी पॉजिटिविज्म जो इन्होंने दी, एंड पॉजिटिविज्म हैड प्ले अ ग्रेट रोल, अ बिग रोल इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी वजह से इनको कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट थे वॉट, इनका एक छोटा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं, वो क्या थे, वो उन्होंने नेचुरल साइंस में भी काम किया, लाइक बॉटनिस्ट थे, पैरेंटोलॉजिस्ट थे, लेकिन साथ में सोशियोलॉजिस्ट भी थे। इनका सबसे अहम जो इनका वो है एजाज़ है, तो वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, इन दोनों का एक मानना है कि सोशियोलॉजी क्या है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, आम स्टडी नहीं है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है, साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि स्टडी जो है ये इम्पेरिकल एविडेंसेस पे होगी। मतलब इम्पेरिकल एविडेंसेस क्या है, मतलब फाइव सेंसेस जिसको हम परसीव कर सकते हैं थ्रू फाइव सेंसेस, ठीक है, वो है एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। मतलब कोई ख्याली बात नहीं होगी, ये हमारे जो एम्पेरिकल एविडेंसेस पे बेस होगी जिसको हमारे फाइव सेंसेस परसीव कर सकते हैं। उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे क्या है, साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हर बंदे के लिए वो फैक्ट होगा, मतलब ये नहीं कि एक रिसर्च हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है उसमें 50% पॉपुलेशन जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करती हूँ, तो ये मैं हवाई बात नहीं करती, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि जो इसको मैं साइंटिफिकली स्टडी करूंगी और उसे जो रिजल्ट आएगा तो वो सब मानेंगे, क्योंकि वो ये नहीं है कि ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस तरह है, ऐसे नहीं कहते सोशियोलॉजिस्ट कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक सोसाइटी इस तरह है, या जो है मैं मतलब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉम्टे एंड वॉट, अगर सोसाइटी को स्टडी करना है तो वो साइंटिफिक स्टडी होगी जो जिसको सब माने, ठीक है, जिसमें कोई सब्जेक्टिविटी ना रहे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग होगी, मतलब कोई एनालिसिस के बाद आएगी, रिसर्च के बाद, ऐसे नहीं कि आप वन साइडेड आर्ग्यूमेंट्स ले, हर जाविये से उस चीज़ को आपने स्टडी करना है, तब जाके सोसाइटी को स्टडी करते हैं। स्केप्टिकल होगी, लॉजिकल होगी, मतलब इलॉजिकल नहीं होगी, इसके कोई बेसिक या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, तो उसके प्रूफ होंगे तब जाके जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कहलाएगी। तो सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू कॉम्टे एंड वॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कौन थे, ही वॉज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक फेमस किताब लिखी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये है मैक्स वेबर। इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने जो है डिफाइन किया सोशियोलॉजी को, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, ठीक है। इन्होंने नया टर्म बताया सोशल एक्शन, क्या है सोशल एक्शन, हमारे पास दो किस्म के एक्शन होते हैं, एक नॉर्मल एक्शन, एक सोशल एक्शन, क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने रूम में बैठ के किताब पढ़ रही हूँ तो वो नॉर्मल एक्शन है,
ठीक है, मैं अकेले रूम में बैठ के अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या नॉलेज के लिए कोई किताब पढ़ रही हूँ, तो उसका दूसरे इंडिविजुअल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है एक्शन? ठीक है, सोशल एक्शन क्या होगा? जिसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़े, ठीक है, जिसका अगर मैं एक ऐसा काम करूँ जिसका इम्पैक्ट दूसरे बंदे के एक्शन पे पड़े, वो सोशल एक्शन है। तो वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सड़क पे जा रही हूँ और वह एक कचरा पड़ा हुआ है, मैं इसको साफ करती हूँ, साइड पे कर देती हूँ, तो इसका ये एक सोशल एक्शन है। कैसे? जैसे मेरे बाद जो बंदे आ रहे हैं मेरे पीछे, जो उस रास्ते से गुजरेंगे, वो उस क्लीन रोड को देखेंगे तो उनकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उन पर साइकोलॉजिकली अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके लिए जाना ईजी हो जाएगा। तो उनके एक्शन पे दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस किया मेरे एक्शन ने, तो क्या है? सोशल एक्शन है। या जैसे नेगेटिवली सेंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव कर रही हूँ सड़क पे, ठीक है, और मैं बार बार कार हॉर्न बजा रही हूँ, तो उससे नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। जो बाकी लोग हैं जो नॉइस पोल्यूशन को बार बार सुन रहे हैं, उनका क्या है कि वो उनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है। तो मेरे एक्शन की वजह से जो दूसरे लोग थे उनका एक्शन इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन नेगेटिव सेंस में, ये भी सोशल एक्शन है, ठीक है। तो सोशल एक्शन को एक दूसरे सोशियोलॉजिस्ट थे, डंकन मिटचल, उन्होंने डिफाइन किया, एक्शन इज सोशल व्हेन द एक्टर बिहेव्स इट इन सच अ मैनर दैट हिज एक्शन इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ वन और मोर अदर पर्सन्स। कि आपका एक्शन दूसरे लोगों के एक्शन को इन्फ्लुएंस करे, तो वो क्या है? सोशल एक्शन है। तो जब हम सोशल एक्शन को स्टडी करते हैं, तो मतलब क्या है? वो सोशियोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। फिर उसके बाद डेफिनेशन है बाय इमाल दरखाइम। इमाल दरखाइम जो थे, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इमाल दरखाइम जो थे, ही वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। इसको हम क्यों बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि इमाल दरखाइम ने ही सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया, ठीक है, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इससे पहले सोशियोलॉजी जो थी वो एक फील्ड ही नहीं थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इकनॉमिक्स। लेकिन सोशियोलॉजी को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन किसने किया? इमाल दरखाइम ने। और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन हु गॉट PhD डिग्री इन सोशियोलॉजी, ठीक है। जो ऑगस्ट कॉम्टे था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे सही है, वो क्या थे? वो थे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। और जो इमाल दरखाइम है, उन्होंने चूंकि सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया एज अ फील्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे? फाउंडर, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, और ये भी ज़्यादातर MCQs में भी आता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे है। फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो वो इमाल दरखाइम है। उन्होंने जो है सोशियोलॉजी को एज अ फील्ड इस्टेब्लिश किया, एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कैसे डिफाइन किया? सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स टू सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? सोशल फैक्ट्स आर कलेक्टिव थॉट्स एंड शेयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जैसे हमारे रिचुअल्स हो गए, नॉर्म्स वैल्यूज हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मैरिज सेरेमनीज हैं, ठीक है, उसमें रिचुअल्स होते हैं, मतलब ट्रेडिशंस होते हैं। मेहंदी का ट्रेडिशन है, वलीमा है, ये सारे हमारे रिचुअल्स हैं। तो ये हमारे सोशल फैक्ट्स कैसे बनते हैं? क्योंकि ये शेयर थॉट्स हैं। जो लड़की के घर वाले हैं, लड़के के घर वाले हैं, सब बिलीव करते हैं कि हाँ ये तो होगा ही शादी में, ठीक है, ये तो होना चाहिए। इवन के जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो शादी में शिरकत करते हैं, वो भी एग्री करते हैं इन सब ट्रेडिशंस के साथ। तो ये सब क्या बन जाता है? मिलके रिचुअल्स बन जाते हैं और शेयर थॉट्स होते हैं। मतलब मेजॉरिटी, मोर देन हाफ पॉपुलेशन सोसाइटी जब एग्री करे एक एक वे ऑफ लिविंग के साथ, एक स्टाइल के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं? वो सोशल फैक्ट बन जाता है उस सोसाइटी का, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है? ये जो सारे रिचुअल्स है, इनको मेंटेन भी तो रखना है ना। तो इनको मेंटेन रखने के लिए क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो इन चीज़ों को फिर प्रमोट करते हैं, जिसके साथ ज़्यादातर सोसाइटी एग्री करती है। सोशल इंस्टीट्यूशन हैव सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलो बाय इंडिविजुअल्स, लाइक पॉलिटिकल है, एजुकेशनल है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये सारे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रिचुअल्स का, तो इसके लिए क्या होगा? मैरिज इंस्टीट्यूशन होगा। मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो इन रिचुअल्स को क्या करता है? मेंटेन रखता है या प्रमोट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, इट इज एक्चुअली द
रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि असल में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये असल में सोशल फैक्ट्स के प्रिंसिपल्स को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट में तो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इनका रिफ्लेक्शन है। सोशल फैक्ट जो है, इवन के सोशल फैक्ट्स जो है वो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो सोशल फैक्ट्स के बेस पे ही बनते हैं। जैसे पाकिस्तान का मैरिज इंस्टीट्यूशन या यूएस का मैरिज इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के स्ट्रक्चर फंक्शन में चेंज है, क्योंकि वहाँ के सोशल फैक्ट्स और यहाँ के सोशल फैक्ट्स चेंज है एक दूसरे से। तो जब हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी करें, और हम वो कैसे स्टडी करेंगे, जब हम सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करें, तो वो हमारे पास सोशियोलॉजी होगी अकॉर्डिंग टू इमादार खान। फिर उसके बाद है डेफिनेशन बाय मैकलेवर एंड सोरोकिन, दोनों क्या थे, दोनों सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, मैकलेवर एंड सोरोकिन बोथ और सोशियोलॉजी दोनों जो है वो प्रोफेसर्स थे। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप एक होता है इंडिविजुअल, जिसे जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट करे, टू और मोर पीपल आपस में इंटरेक्ट करे, वो सोशल इंस्टीट्यूट सोशल रिलेशनशिप है, सॉरी इंस्टीट्यूशन नहीं, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दो लोग ही हो, दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सोशल रिलेशनशिप है। कैसे बिहेव करते, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसकी क्या है असल में, सोशियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मैकलेवर एंड सोरोकिन। सोरोकिन का एक फेमस कोट है सोशल रिलेशनशिप के बारे में, कि द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज रेसिप्रोसिटी, इफ यू कोऑपरेट विद अदर्स, अदर्स विल कोऑपरेट विद यू। रेसिप्रोसिटी मतलब आप जैसा करते हैं वैसा आपको मिलता है, ठीक है, रिटर्न में वही मिलता है। तो कहते हैं अगर आप सोशल रिलेशनशिप में या सोसाइटी में लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, इस तरह सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो ये इनका एक फेमस कोट था सोशल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इसके बाद लास्ट सोशियोलॉजिस्ट पार्क एंड बर्गर, जिन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया। ओके, ये दोनों सोशियोलॉजिस्ट थे। पार्क जो था, ही इज़ अ पायनियर इन सोशियोलॉजी फील्ड। पायनियर कहते हैं बिगिनर, जिन्होंने सोशियोलॉजी फील्ड को बिगिनिंग स्टेज पे जिन्होंने जो है उसको प्रमोट किया हो। इन्होंने क्या किया, इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने इसको पैसिव से एक्टिव डिसिप्लिन बनाया। पैसिव एक्टिव डिसिप्लिन क्या होता है, पैसिव डिसिप्लिन वो होता है जिसमें आप सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन उसमें कोई डिबेट नहीं होती। ठीक है, डिफरेंट साइड से आर्ग्यूमेंट्स नहीं आते। एक्टिव डिसिप्लिन जिसपे डिबेट्स होती है बाकायदा, जिसमें कंक्लूजन्स आते हैं, फिर ऑब्वियसली जब डिबेट होगी तो कंक्लूजन होगा। तो पहले सोशियोलॉजी नहीं था इस तरह डिसिप्लिन की इस पर बाकायदा डिबेट की जाए या इस तरह कुछ, बस पढ़ लेते थे। लेकिन एक्टिव डिसिप्लिन में क्या हुआ, इसको बाकायदा उन्होंने प्रमोट किया कि इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, लोगों के व्यूज़ आने चाहिए, लोगों के हर बंदा इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आखिर में जाके कंक्लूजन आना चाहिए जो कि हम प्रैक्टिकली फिर सोशियोलॉजी या सोसाइटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। एक होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, आप कैसे बिहेव करते हैं जब आप लोनली होते हैं या इस तरह, लेकिन कलेक्टिव बिहेवियर होता है ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, आप एक पूरा ग्रुप कैसे बिहेव करता है, दैट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर को हम कह सकते हैं इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोटेस्ट लेरी में आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आपके लीडर स्लोगन रेस करते तो आप भी सडन रिस्पॉन्स करते, आप भी उनके साथ स्लोगन रेस करते हैं। तो आपका जो ये रिस्पॉन्स है ये स्पॉन्टेनियस है, ये कलेक्टिव बिहेवियर है, पूरा ग्रुप उनके साथ स्लोगन रेस करता है। इसको ग्रुप बिहेवियर क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको रेगुलेट नहीं करता, मतलब आपको पहले से नहीं बताया जाता कि आपने स्लोगन जो है इतने वॉल्यूम में आपने लगाना है, ऐसे अंदाज में लगाना है, आप सडनली उस वक्त स्लोगन्स लगाते हैं, तो वो कलेक्टिव बिहेवियर में आता है। ठीक है, लिमिटेशंस होती है, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बिहेवियर आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेट नहीं होता। ठीक है, लिमिटेशंस होती है बट नो रेगुलेशन। ठीक है, बट लिमिटेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राउड हो गया, मास हो गया। ठीक है, सॉरी मेरी राइटिंग बार बार वो हो रही है। ठीक है, तो
मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लोग को समझ आ रही होगी कि क्राउड, मास, ये सारे जब सडन रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, ये कलेक्टिव बिहेवियर होता है। तो इसको हम सडन बिहेवियर कह सकते हैं, ग्रुप बिहेवियर डेट इज़ नॉट रेगुलेटेड, या स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे थे डेफिनेशन कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे इसको डिफाइन किया। फिर आखिर में कंक्लूशन है, कंक्लूशन क्या है, सोशल एक्शन, सोशल एक्शन मैक्स वेबर ने बताया, सोशल फैक्ट्स इमाल दर खान ने बताया, सोशल रिलेशनशिप बताया जो है, और फिर कलेक्टिव बिहेवियर, ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर किसने बताया, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप हो गए, सोशल बिहेवियर हो गया, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप बताया मैकलिवर एंड सोरकिन ने बताया, ठीक है, सोशल फैक्ट्स बताए इमाल दर खान ने बताए, सोशल एक्शन बताया मैक्स वेबर ने बताया, और कलेक्टिव बिहेवियर बताया जो है पार्क एंड बर्गेस ने बताया। तो इन सब को जो हम मिलाते हैं, इन शॉर्ट हम क्या कहिए, क्या बनाती है, सोसाइटी बनाती है। एंड जब इन सोसाइटी का हम साइंटिफिक स्टडी करें तो वो क्या बनाती है, सोशियोलॉजी। क्या साइंटिफिक स्टडी, किसने बताया था, ऑगस्ट कॉम्टे, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, और फिर इनका साइंटिफिक स्टडी क्या बनाता है, सोशियोलॉजी। तो ये इट इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।